नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शैलेन कलोई आज हम त्रिपुरा की राजधानी आगरतला से करीब तिरासी किलोमीटर दूर एक गांव में है ये गांव जमातिया संप्रदाय की गांव है इस गांव में हम इसलिए पूछे कि आज भी इस गांव के लोग एक पुल के लिए परेशान में हैं इस गांव की रास्ता आज भी कच्चा है लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि त्रिपुरा में जब बामपंथी सरकार थे उसी समय से इस गांव के लोग एक पुल की मांग उठाई थी लेकिन उसके बाद त्रिपुरा में सरकार बदली है बीजेपी आईपीएफटी टी का सरकार हुई है फिर एक बार पिछले चुनाव में बीजेपी आईपीएफटी पी का सरकार बना है लेकिन आज भी इस गांव के लोग एक पुल के लिए तरस रही है याख्राई कामी जमातियाँ जनजातियों का गांव है यह गांव गोमती ज़िले की पहाड़ियों में बसा है यहां पर करीब 150 परिवार रहते हैं और कुल आबादी साढ़े चार बताई जाती है राजस्व रिकॉर्ड बताता है कि यह गांव कम से कम 300 साल पहले सत्रह ईस्वी में यहां पर बसा था इस गांव में रहने सहने और जीने के लिए कुछ न्यूनतम सुविधाएं हैं लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है जिसे देख यह कहा जा सकता है कि देश की तरक्की में इस गांव की तरक्की भी शामिल है यह देश के उन गांवों में शुमार है जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुंची है इस गांव के साथ एक अजीब विडम्बना है जो इस गांव के पास से बहने वाली नदी गांव के नाम और हालातों से जुड़ी हुई है यहाँ की जनजातीय भाषा कोक बोरोक है और उस भाषा में याक्राई कामी का मतलब होता है पुल वाला गांव जी हाँ यहाँ की आदिवासी भाषा में याक्रई का मतलब पुल होता है और यह गांव बरसों से एक अदद पुल के लिए तरस रहा है आ, बाजार में जा नहीं पा रहा हूँ स्कूल में जा नहीं पा रहा हूँ अगर बीमार होगा तो भी जा नहीं पा रहा हूँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होगा तो हम लोग गाँव में हम लोग का इधर बस्ती में ही मर जाता हूँ हॉस्पिटल में लेके जा नहीं पाता हूँ इसलिए हम लोग का मुश्किल बहुत मुश्किल है हम लोग का गाँव में रह के बहुत मुश्किल है ब्रिज के लिए अगर जब तक बृक्ष मिल जाएगा ना हम लोग का ईश्वर का दुआ है भगवान का दुआ है उसका जैसा ही भगवान का जैसे ही हम लोग जब ब्रिज बनाई देगा इन लोग का हम दिल से दुआ करता हूँ भगवान भगवान का तरफ से ही हम मांग मांग मान जाता जो ब्रिज बनाई देगा तो ऐसा नहीं है कि यहां के गांव वालों ने कभी सरकार से पुल की मांग नहीं की थी जब भी चुनाव आता है गांव के लोग उम्मीदवारों के सामने एक ही बात रखते हैं कि उनके गांव की नदी पर पुल बना दिया जाए गांव की इस नदी पर पुल का निर्माण शुरू भी हुआ था उसके निशान यहाँ पर आज भी मौजूद हैं लेकिन फिर न जाने क्यों पुल का काम बंद हो गया क्यों बंद हुआ गांव वालों को किसी ने आज तक नहीं बताया है होगा लगभग दो दो हजार दो हज़ार दो तीन में शुरुआत किया है जो हम लोग का राज्य सरकार मानिक सरकार सी पी एम का सी पी एम का जो सरकार में उस टाइम में यह ब्रिज शुरू शुरू किया था उस टाइम से शुरू किया आ, दो हज़ार साल में बीजेपी आईपीएफटी पी सरकार होने का बाद में यह ब्रिज स्टॉप किया जा रहा था तो क्योंकि किस लिए स्टॉप किया ये तो मुझे पता नहीं लोग का कैसा क्या रिलेक्शन है यह तो मुझे पता नहीं याखरे कामी गांव में लड़कियां परंपरागत तरीके से हथकरघा पर कपड़ा बुनती हैं त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों की ये खासियत है कि यहां पर घर पर ही कपड़ा बुनने की परंपरा रही है वक्त के साथ लोगों का रहन सहन और पहनावा बदला है लेकिन अभी भी पर्व त्योहार या फिर शादी ब्याह में परंपरागत कपड़े पहने जाते हैं लेकिन अब आधुनिकता के साथ साथ धीरे धीरे हथकरघा खत्म हो रहा है लेकिन याक कामी गांव में अभी भी लगभग हर घर में कपड़ा बुना जाता है इसका एक कारण शायद यह भी है कि यह गांव अभी भी मुख्य धारा से कटा हुआ है यहाँ की आदिवासी लड़कियाँ पुल ना होने की वजह से गांव से बाहर नहीं जा पाती हैं। वैसे पुल बन जाए तो यहाँ का बुना हुआ कपड़ा त्रिपुरा के बाजारों तक पहुँच सकता है

क्या। जाहिर है बरसात के समय में नदी में पानी बढ़ जाता है और जब पानी बढ़ता है तो इस गांव में मुसीबत भी बढ़ जाती है उस समय लोग अपनी जान पर खेलकर ही नदी पार कर सकते हैं नदी पार करते समय डूब जाने या बह जाने का खतरा बना रहता है

เพราะาอ้ยังปารวทัวตเนี่อายุสิส่งุบตยสินี่ไม่ไม่เอาก้จะวิส่งสัวิตเนี่ดินราวสิม่คืสงมาบุกไลส่งจาบตาตสที่กตมาจัก็ินี่จังจาลบ่ะแต่ก็ตอหก็ต้องก็จ่งทางระยามายากระเลยก็ผ่อนองระยะเวมาล้มาคัตัวบรองเค่เบป่าไข่เลยมายายังป่ารวไกลมากเลยเระองก็มาสียรงจะใบตาก่ป่า सड़क और पुल अपने आप में जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं लेकिन ये सुविधाएं पिछड़े और अलग थलग इलाकों को विकास के सफर से भी जोड़ देती हैं सड़क और पुल के जरिए ही राशन स्कूल टीचर डॉक्टर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उन इलाकों तक पहुंचती हैं इसलिए सड़क या पुल एक सुविधा मात्र नहीं है बल्कि विकास की एक जरूरी शर्त है

वो पूछते हैं कि क्या शहर के वोटर की वोट की कीमत ज़्यादा है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की वोट की कीमत कम है अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है कि बरसों की मांग के बावजूद इस गांव को एक पुलिया नसीब नहीं हुई है